नमस्कार यारो, राम राम, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो बहुत बड़ा अपडेट लेके आ गए हो, अपडेट का सैलाब बोलो या कुछ भी बोलो। तो देखो, सब टीम के लिए मेरे पास भाई अपडेटेड है। जो न्यूज आ रहा है ना, बहुत खतरनाक सैडनेस न्यूज है, चाहे लखनऊ सुपर किंग के लिए हो, चाहे केकेआर के लिए, हैदराबाद के लिए हो, हाँ सीएसके लिए खुशी का खबर है। तो चलो तीन अपडेट पे ना मैं बता दूं। तीन बड़ा अपडेट ये है कि देखो भाई, लखनऊ जो जेंट्स है या केकेआर है या हैदराबाद है, तीनों को ना लग सकता है बहुत बड़ा झटका, क्योंकि जिसमें भी तीनों में ना अफगानी प्लेयर है, और अफगानी प्लेयर यानी कि नबीनुल हक और फजल फारूकी मुजीबुर रहमान, तीनों को ना भाई साहब इनका बोर्ड ना अफगानिस्तान बोर्ड जो है झटका दे दिया। झटका इस बात को दे दिया है, इनका मानना ये है अफगानी क्रिकेट बोर्ड का कि भाई ये देश का ड्यूटी ज्यादा नहीं कर रहा है, नेशनल ड्यूटी ज्यादा नहीं कर रहा है, इनको छोड़ के भाई साहब वो फॉरेन क्रिकेट के ज्यादा तवज्जो दे रहा है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं यहाँ तक में भी हिस्सा नहीं लेते हैं, ये सब ऐसे बड़े प्लेयर बन गए। फिर क्या था आगे? फिर आगे ये था कि अफगानी क्रिकेट ने एक कम्युनिटी बैठाया था, कम्युनिटी में भाई तीनों का राय विचार सबसे लिया गया, और राय विचार लास्ट में लेने के बाद ये बोला गया कि भाई साहब इन तीनों का ना एनओसी सबसे पहले नहीं दिया जाए। उसी के साथ साथ उन्होंने ये बोला कि भाई इनको ना ऐसे डिले करो, किसी भी लीग हो जाए, चाहे आईपीएल हो जाए, बीबीएल, वो दो साल तक किसी भी लीग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। एनओसी का मतलब ये होता है, जैसे कि आईपीएल में ये सब जो आएंगे ना, जैसे कि अफगानी प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया प्लेयर, जहां का भी आता है, तो इन लोगों का एनओसी बनता है जब भी वो इंटर होता है कोई भी लीग में। तो एनओसी ये हुआ, इनके बिना तो आप खेल ही नहीं सकते कोई लीग। भाई दो साल तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, इनमें तो भाई डिले तो कर ही दिया, इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें डिले कर ही दिया है, और साथ साथ एनओसी के लिए भी बोले भाई यानी कि नहीं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इनका मतलब यही होता है, एनओसी का मतलब यही होता है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो भी नहीं मिलने वाला, सब कुछ में डिले हो गया है। और साथ साथ अब टीम का भाई झटका लग गया कि आखिरकार इन सब तीनों के साथ साथ क्या करे, अगर नहीं खेलेगा तो जल्दी भाई जल्दी बता दे, क्योंकि अभी तक भाई कंफर्म नहीं आया है, लेकिन हाँ कंफर्मेशन हो गया है, लेकिन ऑफिशियली जो बोलते हैं ना वो नहीं आया है कि भाई टीम लोग को बोल दे कि ऑफिशियली कि आप लोग भाई साइड हो जाओ, इनको लेके आगे को सोचो, आगे आपके टीम में जो भी है एक्स्ट्रा प्लेयर लिए हो उनको खिलाओ, आईपीएल का जितने भी फ्रेंचाइजी हो, चाहे लखनऊ हो, केकेआर हो, हैदराबाद, इन तीनों तो सोचेगा ना भाई, क्योंकि इन तीनों को लग गई है झटका, इनके अलावा तो किसी ना किसी को तो खिलाएगा, तो जल्दी बोलेगा जब ना कि भाई अनाउंसमेंट करे कि इनके अलावा ये खेलेंगे, तो ऐसा है तो बहुत जल्द इनका भी अपडेट आ ही जाएगा, तीनों फ्रेंचाइजी लोग को बोल दिया जाएगा बहुत जल्द। ये था जी पहला अपडेट। ऐसा दूसरा अपडेट ये है कि इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से ना भाई साहब हार्दिक पांड्या को जो लिया है गुजरात टाइटन से मुंबई इंडियन ने, तो मुंबई इंडियन ने गुजरात टाइटन को कितने पैसे दिए हैं भाई साहब, ये भाई अभी तक मिस्ट्री था। तो इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ऑफिशियली नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 100 करोड़ दिए हैं भाई साहब। तो मैं ये नहीं कहता कि ये न्यूज जो है ना आप लोग मान लो, बट कान में डाल लो, इतने पैसे दिए हैं इंडियन एक्सप्रेस, ऐसे फेक न्यूज नहीं होता भाई। हार्दिक पांड्या, वैसे भी मैं कुछ रिसेंटली रील्स देख रहा था इनका, उस रील्स में मैं देख रहा हूँ मुंबई इंडियन राजा कौन, मुंबई का राजा कौन तो रोहित शर्मा, मुंबई का राजा कौन तो रोहित शर्मा, ऐसे ऐसे भाई चैंट्स लगा रहे थे फैन, मुंबई इंडियन का फैन, रोहित शर्मा का फैन बोल रहा हूँ, तो मैं देख रहा था और हार्दिक पांड्या मुस्कुरा रहा था, एकदम इकट्ठे में बोल रहा था, तो भाई ऐसे मत करो, इनके दिल पे भी ये भी इंडियन प्लेयर है, इंडियन प्लेयर आगे जाके टी ट्वेंटी, मैं ये नहीं कर रहा मैं उसका फैन हूँ, मैं एज क्रिकेट के हिसाब से बात करता हूँ। चलो अगला न्यूज ये है कि धोनी के बारे में, कि भाई धोनी जो है सीईओ, मैंने कुछ दिन पहले भी बोला था इस पे अपडेट, और ये भी आज भी बोल दूं कि धोनी का सीईओ जो है ना वो साफ साफ बोल दिया कि भाई 5-7 दिन में आ जाएंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आज जो देख रहा हूँ तो जिम में अच्छा मेहनत कर रहे हैं, अच्छा फिट दिख रहे हैं धोनी, जो मैं देखा अपडेट देखा, अच्छा मेहनत कर रहे हैं जिम में, अच्छा पसीना बहा रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं अंडरग्राउंड, बट अभी तक फील्ड में नहीं आए हैं। यही था जी 3-4 बड़ा अपडेट। तो इन तीनों का तो लग गया भाई, लखनऊ के क्या, हैदराबाद के लिए तो झटका लग गया, क्योंकि ऑब्वियसली यार अफगानी प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं इंडिया में, और अच्छा बन गए हैं ये सब प्लेयर। तो चलो आज के वीडियो में इतना, जब तक के लिए बाय बाय, चाहेंगे।